मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में मुल्क बदरी का सामना करने वाले भारतीय तलबा के लिए उम्मीद की किरण। तलबा का मुस्तकबिल बचाने के लिए भारतीय हुकूमत की कोशिशें, कैनेडियन हुकूमत की मसले के हल के लिए यकीन दहानी। जस्टिन ट्रूडो का यूक्रेन का सरप्राइज विजिट। कनाडा का यूक्रेन को मजीद 375 मिलियन डॉलर फौजी इमदाद फराहम करने का ऐलान। ट्रूडो का कहना था कि कनाडा यूक्रेनी लड़ाका पायलट्स को तरबियत भी फराहम करेगा। कनाडा के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आग बुझाने में 600 से ज्यादा अमरीकी फायर फाइटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 350 फायर फाइटर्स की एक बटालियन भी कनाडा पहुंच रही है। नेटो की तारीख की सबसे बड़ी फिजाई मशक जर्मनी में शुरू। मशकों में 25 ममालिक के 250 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। ये मशकें तकरीबन 10 दिनों तक जारी रहेंगी। यूक्रेन का 3 देहातों को रूसी फौज के कब्जे से आज़ाद करने का दावा। यूक्रेनी फौज का कहना है कि ये कामयाबियां जवाबी कार्रवाई की पहली मकामी फतूहत हैं। रूस ने यूक्रेन के दावों को मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada mein mulk badri ka samna karne wale bhartiya tulba ko ummeed ki kiran nazar aa rahi hai. Mazeed ahwal is report mein. कनाडा में मुल्क बदरी का सामना करने वाले भारतीय तुलबा को उम्मीद की किरण नजर आ रही हैं। कनाडा की हुकूमत ने मुल्क में मुकीम तकरीबन 700 हिंदुस्तानी तुलबा के इमिग्रेशन दस्तावेजात में कमी होने के मामले में अमली नुक्ता नज़र और इंसानी हसासियत की बुनियाद पर बढ़ने का यकीन दिलाया है। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर ने इशारा दिया है कि कनाडा गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करने वाले बैन अल-अक़वामी तुलबा के लिए सरगर्मी के साथ एक हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी तुलबा के साथ मुनसिफाना सलूक करने की जरूरत को तस्लीम किया है। हाल ही में कुछ तुलबा को उनके अखराज के नोटिस पर हुक्म इम्तनाई मौसूल हुए हैं। जराए ने कहा कि यह खुशाइंद है कि हुकूमत हिंद की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में हुकूमत कनाडा ने इंसानी हमदर्दी का रवैया अपनाने और तुलबा के नुक्ता नज़र को कबूल करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन और नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन के जरिए यह मामला कैनेडियन हुकाम के साथ मुसलसल उठा रहा है। वजीर खारजा एस जे शंकर ने भी इस मामले पर अपने कैनेडियन हम मनसब से बात की। उनकी जानिब से कनाडा के हुकाम को बार बार मुनसिफाना रवैया इख्तियार करने की ताकीद की गई है, क्योंकि तुलबा की गलती नहीं थी। ये मामला वजारत खारजा में सेक्रेटरी सूरभ कुमार ने इस साल अप्रैल में अपने कनाडा के दौरे के दौरान उठाया था। टोरंटो में इंडियन कॉन्सुलेट में हिंदुस्तानी तुलबा के एक ग्रुप ने उनसे मुलाकात की थी। जराए का कहना है कि कैनेडियन हुकाम से इंसाफ करने और इंसानी रवैया अपनाने की अपील की गई, क्योंकि तालिब इल्मों की गलती नहीं थी। ये भी बताया गया कि कनाडा की इंतजामिया की कुछ कोताहियों और लापरवाही की वजह से तुलबा को वीजे मिल गए और उन्हें कनाडा में दाखिले की इजाज़त भी मिल गई। वाजे रहे कि कनाडा में कुछ हिंदुस्तानी तुलबा को मुबैना तौर पर जाली दाखिला खतूत जमा कराने पर मुल्क बदरी की धमकी दी गई है और असल तादाद मीडिया में बताई जा रही है 700 से बहुत कम है। जराए ने बताया कि कुछ तुलबा को हाल ही में मुल्क बदरी के नोटिस पर हुक्म इम्तनाई मौसूल हुए हैं। ज्यादातर तुलबा 2017 ता 2019 के दौरान कनाडा गए थे। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उनमें से कुछ ने वर्क परमिट हासिल किए, जबकि कुछ ने कनाडा में तालीम हासिल करना जारी रखा।
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कीव के सरप्राइज दौरे के दौरान मजीद $500 मिलियन की फौजी इमदाद का वादा किया। कैनेडा यूक्रेनी लड़ाका पायलट्स को तरबियत भी फराहम करेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा ने यूक्रेन को मजीद $375 मिलियन फौजी इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कीव के सरप्राइज दौरे के दौरान मजीद $500 मिलियन की फौजी इमदाद का वादा किया। कैनेडा यूक्रेनी लड़ाका पायलट्स को तरबियत भी फराहम करेगा, जबकि रूस वजारत खारजा ने सियासी हुक्काम समेत 333 कैनेडियन शहरियों का रूस में दाखिला ममनू करार देने का ऐलान किया है। कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की हिमायत करेंगे और मजीद $375 मिलियन की फौजी इमदाद फराहम करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि कैनेडा यूक्रेनी लड़ाका पायलट्स को तरबियत देने के लिए तैयार है, जबकि इस मौके पर यूक्रेनी सदर का कहना था कि जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, लड़ाका तैयारों की जरूरत है। ट्रूडो ने रूस को डैम की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रूस जिम्मेदार है और इसे जवाबदार ठहराया जाएगा। वजीर आजम ने कहा जिनका यूक्रेन का दौरा एक सख्त खबरों के ब्लैकआउट के तहत तय किया गया था। दूसरी जानब रूसी वजारत खारजा ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि कैनेडा इंतजामिया रूसी हुक्काम सियासतदानों सहाफियों माहरीन और खिलाड़ियों पर मुस्तकिल पाबंदियां लगा रही है। इस वजह से 333 कैनेडियन शहरियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करके उनका रूस में दाखिला दायमी शक्ल में ममनू करार दे दिया गया है। मस्कूरा अफराद के नामों की फहरिस्त शाया कर दी गई है। फहरिस्त में मुख्तलिफ सतहों के सियासतदान पार्लिमानी अरकान एक्टिविस्ट और खिलाड़ी शामिल हैं। वाज़ह रहे कि रूस और कैनेडा वक्तन फवक्तन एक दूसरे के शहरियों पर पाबंदियां लगा रहे हैं। कनाडा के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, जिसकी वजह अमेरिका को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, जिसकी वजह अमेरिका को शदीद मुश्किलात का सामना है। आग बुझाने में 600 से ज्यादा अमेरिकी फायर फाइटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इस साल अब तक 2410 जंगलात की आग 4.5 मिलियन हेक्टर अराजी को नजर आतिश कर चुकी है। यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 350 फायर फाइटर्स की एक बटालियन जल्द ही क्यूबैक में अपने कैनेडियन हम मनसबों की मदद के लिए एक तबाहकुन और बेमिसाल जंगल की आग से निमटने के लिए मैदान में उतरेगी। फ्रांस से 109 फायर अमला गुज़िश्ता जुमेरात को पहुंचा और हफ्ते के आखिर में क्यूबैक में आग के शोलों को बुझाने में मसरूफ रहा, जहाँ आग लगने से तकरीबन 14,000 अफराद अपने घरों से भागने पर मजबूर हुए। कनाडा की वजीर दिफा का कहना है कि वो हंगामी तैयारी के वजीर बिल ब्लेयर के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि न सिर्फ कैनेडियन फोर्सेस बल्कि मुतादित ऑप्शंस क्रॉस कंट्री फायर फाइट में मदद के लिए दस्तियाब है। कनाडा की वफाकी हुकूमत एक कौमी डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसी बनाने पर गौर कर रही है, जो वफाकी महकमों की मरबूत कोशिशों की जगह लेगी, जिनमें हंगामी तैयारी, पब्लिक सेफ्टी और नेशनल डिफेंस शामिल है। चूंकि ये जंगल की आग के रद्द अमल में मदद करता है, कनाडा की फौज को भी हिंद बहरुल काहिल के लिए अपनी जिम्मेदारियों में तवाजन रखना होगा, जो कि खित्ते के लिए हुकूमत की नई हिकमत अमली का बड़ा हिस्सा है। अमरीका में हवा का मयार बदतरीन सतह पर पहुँच गया। न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड, साउथ कैरोलिना, ओहायो, इंडियाना और मिशिगन समेत कई रियासतों में आलूदगी का अलर्ट बरकरार है। अमेरिका के बड़े हिस्से में धुएं की तह छाई हुई है, जबकि पेंसिल्वानिया, मैरीलैंड, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में जलती हुई लकड़ियों की बू आ रही है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया के हवाई अड्डों पर आने वाली परवाजों को दूसरे दिन भी रोक दिया गया। न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पर पहुंच गया, जो कि 200 तक पहुंचने का खदशा है। न्यूयॉर्क में आउटडोर तकरीबात मनसूख कर दी गई। चिड़ियाघरों समेत कई रियासतों में स्कूल्स जुज़वी तौर पर बंद कर दिए गए। नेटो की तारीख की सबसे बड़ी फिजाई मशक एयर डिफेंडर 23 जर्मनी में शुरू हो गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नेटो की तारीख की सबसे बड़ी फिजाई मशक एयर डिफेंडर 23 जर्मनी में आज से शुरू हो गई। एयर डिफेंडर का तस्वुर 2018 में यूक्रेनी इलाके क्रीमिया के रूस से इलहाक के रद्द अमल के तौर पर पेश किया गया था। जर्मन जनरल ने जोर दिया कि उन मशकों का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं। उन्होंने कहा कि हम एक दिफाई इत्तेहाद हैं और इसी तरह इस मशक की मनसूबा बंदी की गई है। ये मशकें तकरीबन 10 दिनों तक जारी रहेंगी। बर्लिन में अमरीकी सफीर के मुताबिक इन मशकों का मकसद रूस समेत दीगर मुल्कों को एक पैगाम देना है। ये मशक 23 जून तक जारी रहेगी। इसमें 25 ममालिक के 250 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। तमाम ममालिक से शरीक होने वाले अहलकारों की तादाद 10,000 है। जर्मनी में सैकड़ों अफराद ने नेटो मशक के खिलाफ विंस्टॉर्फ एयरबेस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने बैनर्स उठा रखे थे, जिसमें जंग और हथियारों के मुखालफत में नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि यूक्रेन जंग का सिफारती हल निकाला जाए और फिल फॉर फायरबंदी की जाए।
यूक्रेन ने मुल्क के जुनूब मशरक में 3 देहातों को रूसी फौज के कब्जे से आज़ाद कराने का दावा कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूक्रेन ने मुल्क के जुनूब मशरक में 3 देहातों को रूसी फौज के कब्जे से आज़ाद कराने का दावा कर दिया। दूसरी जानब रूसी वजारत दिफा ने इस बात पर जोर दिया है कि वो इलाके में यूक्रेन के हमलों को पसपा कर रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान फ्रंट लाइन के जनूबी डोनेस्टिक और ज़ापोरेजिया के महफर पर जारहाना कार्रवाइयों की यूक्रेन की कोशिशें नाकाम रही हैं। रिपोर्ट से मुताबिक यूक्रेन की कार्रवाइयों की हद अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन अमरीका में कायम थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर दी स्टडी ऑफ वॉर ने कहा है कि कीव की फोर्सेज कम अज़ कम 4 फ्रंट लाइन इलाकों में हमला कर रही हैं। गैर मुल्की खबर इस अदारे के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में यूक्रेन के फौजियों को डोनेस्टिक के इलाके में बिलाहुतने और नेस्कोचने के पड़ोसी बस्तियों में जश्न मनाते हुए दिखाया गया है, जबकि कीव के नायब वजीर दिफा ने कहा है कि माकारेवका को भी कब्जे से आज़ाद करा लिया गया है। सोशल मीडिया पर यूक्रेन के हामी अकाउंट्स की तरफ से शेयर की गई फुटेज में फौजियों को बिलाहुतने में एक जली हुई इमारत के बाहर यूक्रेन का झंडा बुलंद करते देखा जा सकता है। नायब वजीर दिफा हेना मलियार के एक बयान के मुताबिक यूक्रेन की अफवाज ने जनूबी महाज पर 2 सिमतों के साथ 300 और 1500 मीटर के दरमियान पेश कदमी करते हुए जनूब में अगले गाँव माकारेवका को भी वापस ले लिया है। माकारेवका मारिपोल शहर के शुमाल मगरब में तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है, जो जमीनी पुल के जनूबी किनारे पर बहीरा अजाफ पर वाकया है। रूस ने कई हफ्तों तक इस शहर का मुहासरा और बमबारी करने के बाद गुज़िश्ता साल इस बड़े शहर पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की फौज के एक तर्जुमान ने कहा कि ये कामयाबियां जवाबी कार्रवाई की पहली मुकामी फतूहत हैं। यूक्रेन के एक इलाकाई दिफाई यूनिट ने टेलीग्राम पर गैर तस्दीक शुदा फुटेज भी पोस्ट की है, जिसमें उसके फौजियों ने इलाके में यूक्रेनी पोजीशंस के करीब तरीन गांव नेस्कोचने में अपना झंडा उठा रखा है। इलावा अजी यूक्रेन और रूस ने गुज़िश्ता रोज दर्जनों जंगी कैदियों का तबादला भी किया है, जिसके तहत 94 रूसी फौजियों और 95 यूक्रेनी फौजियों को रिहाई नसीब हुई। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and respectful.